हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में मेरा नाम ऐश्वरा शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर टू द इंडियन पार्लियामेंट तो इसके पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ़ गवर्नमेंट पढ़ा था एंड हमने ये जाना था कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होता है और हम मेजोरिटी uh, पार्टी जो भी होती है जिसे हम इलेक्ट करते हैं उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इस पर हम हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे वी हैव स्टडीड दैट द पार्लियामेंट

द लेजिस्लेचर एट द नैशनल लेवल दैट इज़ द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखी हुई गाइडलाइंस हैं हमारे जिसके हिसाब से हमारी कंट्री चलती हैं इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो लॉज हैं कंट्री के कि एक कंट्री को कैसे फंक्शन करना है एवरी थिंग सब कुछ हमारी गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाया और नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल पे उसे ही पार्लियामेंट कहा जाता है और उसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा दो प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन ईदर ऑफ़ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो उसके तीन पार्ट्स होते हैं प्रेसिडेंट और दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दो हाउसेस में लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेसिडेंट एक ऐसा पार्ट होता है पार्लियामेंट का जिसे जिसे अलग तो नहीं किया जा सकता इनसेपरेबल है लेकिन किसी भी पार्लियामेंट के डिस्कशन में कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बैठता क्योंकि प्रेसिडेंट का अपना खुद का डिसीजन होता है लास्ट में प्रेसिडेंट पहले राज्यसभा लोकसभा से कोई भी लॉ या बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है एंड फिर ही वो लॉ बनता है लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी डिस्कशन में कभी भी नहीं बैठता वहाँ बैठ के डिस्कस नहीं करता उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होता है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड द लोकसभा एंड राज्यसभा जो दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के उन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है कमिंग टू लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल हेंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस लोकसभा लोअर हाउस होता है अब आप लोअर या अपर हाउस से बिल्कुल भी जजमेंटल मत होना दिस आर जस्ट नेम्स गिवन टू डिफरेंट हाउसेस लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है और सबसे पहला हाउस होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का लोकसभा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वो लोग होते हैं जिन्हें लोग चूज करते हैं अपने खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लोगों को चूज करके पार्लियामेंट में भेजा जाता है वो मेंबर होते हैं लोकसभा के और इसीलिए लोकसभा को सबसे पहला हाउस कहा जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों के लिए ही तो गवर्नमेंट बनी है ना तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जिस हाउस में होंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है और पहला हाउस होता है द मेम्बर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाई पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज द टेन्योअर ऑफ़ लोकसभा इज़ फाइव ईयर्स द इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी फाइव ईयरस डीज़ इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शन जो भी मेम्बर होते हैं लोकसभा के उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज से इसका मतलब अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट से अलग अलग मेम्बर्स चूज़ किए जाते हैं और फिर उन्हें सेंट्रल में भेजा जाता है और ये जो इलेक्शन होता है ये हर पांच साल में कंडक्ट होता है और ये जो इलेक्शन होता है इसे ही जनरल इलेक्शन कहा जाता है हाउ एवर देर आर एग्जाम्पल्स वेन द लोकसभा बिफोर द ऑफ ईयर हेल्ड इन सच अ केस आर कॉल्ड मिड टर्म तो ऐसा हर बार तो नहीं पर ऐसा हुआ है कि पांच साल से पहले ही कुछ रीजन के कारण लोकसभा को डिजोल्व कर दिया गया था सारे में सारे मेंबर्स सब मेंबर्स नहीं रहे थे तो उसके लिए फिर बीच में इलेक्शन हुआ था पाँच साल खत्म नहीं हुआ था और जब भी जब भी डिसॉल्व हो गई खत्म हो गई लोकसभा तो बीच में फिर नए मेंबर्स के लिए इलेक्शन हुआ जिसे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द Citizens of the country. As per the constitution, there can be a maximum of 552 members in the Lok Sabha to ensure equal representation to all sections of the community. Some, some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. In case there are no representatives from Anglo Indian community, the president can appoint two members from this community to the Lok Sabha. लोकसभा होती है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स ऑफ कंट्री ये क्यों होता है अभी मैंने आपको बताया क्योंकि लोग इलेक्ट करते हैं इसके मेंबर्स को और पार्लियामेंट में भेजते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स हो सकते हैं इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते और हमारी गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर sure किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेक श्योर sure किया है कि हर सेक्शन ऑफ पीपल का इक्वल रिप्रेजेंटेश रिप्रेजेंटेशन हो जैसे चाहे एस सी एस टी हो कोई रिलीजन के हो या या कोई भी हो वुमेन हो सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो इक्वल मेंबर्स हो सारे सेक्शन के इसलिए कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रहती है कि वो सीट्स में एस सी या एस टी के मेंबर ही इलेक्ट हो सकते हैं उनके अलावा कोई दूसरे इलेक्ट नहीं हो सकते हैं और कुछ सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी रिजर्व होती है और यदि ये ये रिजर्वेशन में कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर चूज नहीं हो पाया सपोज तो प्रेसिडेंट फिर अपने हिसाब से दो मेंबर चूज करता है लोकसभा के लिए राज्यसभा द अपर एंड द सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द राज्यसभा द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड अब जो सेकेंड हाउस होता है जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है पार्लियामेंट का वो होता है राज्यसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एज द नेम सजेस्ट राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू ट्वेंटी नाइन स्टेट्स एंड द सेवन यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया दस ऑफ राज्यसभा वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स अब राज्यसभा आप राज्य से ही समझ गए होंगे स्टेट की बात हो रही है तो राज्यसभा में हमारे ट्वेंटी नाइन स्टेट्स और सेवन यूनियन टेरिटरीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पर्टिकुलरली आते हैं लोकसभा में हर जगह से आते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से और हर प्लेसेस से आते हैं पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता राज्यसभा में पर्टिकुलर स्टेट से एक एक मेंबर और यूनियन टेरिटरी से एक एक मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं वो आके राज्यसभा फॉर्म करते हैं और ये अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज़ टू हंड्रेड फिफ्टी मेम्बर्स

हर स्टेट से इक्वल मेंबर नहीं आते आपने खुद टू हंड्रेड थर्टी एट सुनकर समझ दिया होगा कि सब में से इक्वल मेंबर नहीं आते होंगे किसी से ज़्यादा आते होंगे किसी से कम आते होंगे ऐसा होता है और ऐसा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन कितनी है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से ज़्यादा मेंबर्स चूज किए जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो जगह बड़ी है उसे संभालने के लिए उनके वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा लगेंगे Remaining 12 members are appointed by the president. These members are usually experienced and distinguished personalities from the field of literature, art, science, sports, and social works. और ये टू थर्टी एट मेम्बर्स के बाद जो बारह मेंबर्स बचते हैं टू फिफ्टी मेम्बर्स टोटल होते हैं राज्यसभा में बारह मेंबर्स बचते हैं इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही खास पर्सनालिटीज़ हैं फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या कुछ अलग पर्सनालिटीज़ हैं हमारे इंडिया की चाहे वो लिटरेचर से चूज करें आर्ट साइंस स्पोर्ट्स या सोशल वर्क से द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जो भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं उन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा इज नेवर डिजोल्व कम्प्लीटली हैंस इट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट हाउस वन थर्ड मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा हु हैव कम्प्लीटेड देय टेन सिक्स ईयर्स रिटायर एवरी टू ईयर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट सिलेक्टेड। राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है जो कभी भी डिज़ोल्व कम्प्लीटली नहीं होती कम्प्लीटली वो राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है जो कभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं होती है इसीलिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है मतलब सारे मेंबर्स एक बार में हट नहीं जाते हैं वन थर्ड जो मेंबरशिप होती है टोटल मेंबर्स की ऑफ राज्यसभा वो अपना जो भी टेन्योर होता है टेन्योर मतलब होता है पीरियड जिस पीरियड में वो एग्जिस्ट करते हैं जिस पीरियड में वो वहां पे एज ए ऑफ राज्यसभा रहते हैं तो उनका जो जो टेन्योर होता है हमेशा वन थर्ड मेंबर्स का वो सिक्स इयर्स में खत्म होता है एंड एंड हर दो साल में ये टेन्योर खत्म होता ही है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा मैं एक बार और आपको क्लियर कर लेती हूँ जैसे कोई भी एक मेंबर है राज्यसभा का वो उस मेंबर का जो छः साल का टेन्योर है वो खत्म जब होगा तो दो साल मतलब इन द सेंस की जैसे हर बार one third members का दो साल बाद ऐसा होता है कि टेन खत्म होता है फिर one third का दो साल बाद टेन खत्म होगा फिर वन थर्ड का दो साल बाद टेन खत्म होगा और ऐसे नए मेंबर्स हमेशा राज्यसभा में ऐड होते रहते हैं और इसीलिए कभी भी राज्यसभा परमानेंटली खत्म नहीं होता बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट हैव कम्प्लीटेड थर्टी ईयर्स ऑफ एज क्योंकि राज्यसभा में बहुत ही लिमिटेड मेंबर्स रहते हैं और यह स्टेप बाई स्टेप चलती है राज्यसभा बहुत ही कंटीन्यूस फंक्शन करती है इसका मतलब क्योंकि मेम्बर्स कभी भी कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हमेशा मेम्बर्स रहते ही हैं इसीलिए वो कंटिन्यूसली काम करती जाती है और कोई भी पर्सन यदि राज्यसभा के लिए कंटेस्ट कर रहा है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए पहली बात और तीस साल से ज़्यादा होना चाहिए तीस साल की एज उसने कंप्लीट कर लेनी होनी चाहिए स ऑफ लोकसभा जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें एम पीस कहा जाता है जिसका मतलब होता है मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एम पीस ट्राई टू रिजोल्व क्वेरीज एंड कंप्लेन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसीज बाई रेजिंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट जो भी एम होते हैं इनका बेसिकली काम होता है कि कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन हैं कोई भी प्रॉब्लम कंप्लेंट्स है उनके कंस्टिट्यूंसीज की उसे वो सॉल्व करें कैसे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को क्वेश्चन करके गवर्नमेंट एलोकेट्स देम फंड्स टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूंसीज और गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है कि वो अपनी अपनी पर्टिकुलर जो कंस्टिट्यूएंसीज है वहाँ पर जाके डेवलपमेंट का काम करवाए Now coming to functions of Parliament. After understanding the basic of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will now review their function. तो हम basically समझ गए हैं कि Lok Sabha क्या होती है, Rajya Sabha क्या होती है. अब हम ये जानेंगे कि उनके functions क्या-क्या होते हैं. तो सबसे पहला function होता है formulation of laws. In order to achieve welfare of the people and the objective of the constitution, the parliament has to formulate new laws. हमारे अ हमारे constitution के हिसाब से या constitution की जरूरत के हिसाब से और लोगों की भलाई के लिए parliament का काम होता है नए नए laws को बनाना also outdated laws are repealed necessary changes are made in some laws the process of formulation of laws has been described in the constitution in accordance to the procedures the parliament fulfills this primary and important responsibility तो साथ ही साथ ये भी काम होता है कि जो आउटडेटेड लॉज ऐसे लॉज जिनकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है जो पुराने हो चुके हैं उन्हें हटा देना और कुछ नए लॉस में चेंजेस लाना ये जो चेंजेस लेकर आते हैं इसे ही एमेंडमेंट कहा जाता है और ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ का इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से समझाया गया है और प्रोसीजर के हिसाब से जो पार्लियामेंट होती है वो अपनी प्राइमरी मतलब सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे लेजिस्लेचर की जो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की जो पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो और उसके साथ साथ जरूरी जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें पूरा करते हैं कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर तो जो भी प्राइम uh, मिनिस्टर होते हैं और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो ड्रॉन आउट पार्लियामेंट से ही होते हैं इसीलिए पार्लियामेंट का कंप्लीट कंट्रोल होता है उनके ऊपर हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट के पास हक होता है कि वो लोकसभा को कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं यदि वो मेम्बर सही से काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ इससे हमें समझ आता है कि पार्लियामेंट का कितना कंट्रोल होता है Prime Minister and Council of Ministers Kyokpur. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the Parliament and functions under its supervision. और कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से ये एक्सरसाइज कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट सबसे पहला ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहीं पार्लियामेंट को डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहे हैं मतलब जो पार्लियामेंट चाहती है उससे अलग कुछ काम तो नहीं कर रही है या, या ऐसा कोई भी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं जो पार्लियामेंट नहीं चाहती हो और साथ ही साथ अपना फंक्शन सही से कर रहे हैं कि नहीं ये भी सुपरवाइज करना पार्लियामेंट का काम होता है लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और आपको आ, जो सच्चाई है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ हम सबने पढ़ा था जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है वो मेजोरिटी पार्टी ही रूलिंग पार्टी होती है हमारे कंट्री की और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर पे बट एक चीज़ समझने वाली है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो बना है उसमें लोकसभा के मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा के मेंबर्स हैं एंड जो भी रूलिंग पार्टी है वो पार्टी रूल क्यों कर रही है क्योंकि वो मेजोरिटी में है बहुत क्लियर सी बात है मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि उसके सबसे ज्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट में हैं और यदि उसके सबसे ज्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट में हैं तो उसका ही तो पावर हुआ ना पार्लियामेंट उसे डिसॉल्व कर सकती है किसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकिन अगर उनके ही पार्टी के लोग सबसे ज्यादा बैठे हैं पार्लियामेंट में तो वो अपने अपने पार्टी के मेंबर को क्यों डिसॉल्व करेंगे या उनके अगेंस्ट क्यों बोलेंगे या उनके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन क्यों लेंगे तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हम कह सकते हैं जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में करेंटली है

किसी भी लॉ में किसी तरह का भी बदलाव लेकर आना चेंज लेकर आना यदि और ये चेंज क्यों आता है ये चेंज इसलिए आता है क्योंकि अब खुद सोचिए जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड जो आज का समय है इस इन दोनों समय में बहुत डिफरेंस है उस समय लोगों के रहने का तरीका उस समय लोगों की ज़रूरतें उस समय की हमारी टेक्नोलॉजी और आज का कंपैरिजन किया जाए तो शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसलिए सिचुएशन के हिसाब से क्राइम्स के हिसाब से इन सा सारी चीज़ों के हिसाब से लॉज को चेंज करना पड़ता है विद टाइम इसे ही अमेंडमेंट कहते हैं लॉ देखो पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता कि किसी लॉ को ख़त्म ही कर दिया किसी लॉ को बोला कि इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उसमें चेंज चाहिए नहीं यदि चेंज चाहिए तो उस लॉ को चेंज किया जाता है और वही चेंज करने को ही हम कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करते है, क्योंकि पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर है तो उसका काम होता है डिसाइड करना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है ये एक बहुत ही ज़रूरी बिल होता है द पार्लियामेंट डिस्कसेस वाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट ये पार्लियामेंट का काम होता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं कि क्यों अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि है भी कि नहीं और ये ये अमेंडमेंट हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है The Constitution mentions various ways of amending the Constitution. They are as follows. First, few provisions in the Indian Constitutions are amended by simply majority of the Parliament. Second, some provisions require special majority two thirds of the Parliament. Few other provisions are amended by special majority plus concern from more than half of the constituent states. तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आया जाया आ जा सकता है तो ये है वो तरीके सबसे पहला है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सिंपली पार्लियामेंट में मेजोरिटी आ गई मेजोरिटी लोगों ने बोला मेजर लोगों ने साथ मिलकर बोला कि हाँ चेंज चाहिए तो चेंज आ जाएगा मतलब फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोगों ने बोला एंड सेकेंड प्रोविजन है कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जिसे कहते हैं टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए मतलब सिर्फ वन थर्ड लोग बोलेंगे कि नहीं ये नहीं होगा एंड टू थर्ड सपोर्ट में होंगे कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए तो ही अमेंडमेंट होगा और कुछ अदर भी प्रोविजन्स हैं जिससे अमेंडमेंट होता है जैसे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसर्न फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स मतलब कि मेजोरिटी तो चाहिए पर उसके साथ साथ आधे से ज्यादा कंस्टिट्यूंट स्टेट को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो ही वो अमेंडमेंट आएगा नाउ कमिंग टू ये तीन प्रोविजंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं ये ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है तो आप ये अच्छे से याद करना एंड नाउ कमिंग टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द मेम्बर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद लोकसभा की तो so, लोकसभा के जो भी मेम्बर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन स्पीकर बनेगा एंड कौन डिप्यूटी स्पीकर बनेगा और लोकसभा जो फंक्शन करती है वो फिर गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ स्पीकर

लोकसभा मेंबर्स हैव राइट्स एंड प्रिविलेज एस द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ़ द पीपल तो लोकसभा हमारे देश के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है क्यों करती है अगेन आप याद कीजिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लोकसभा मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ़ द पीपल तो इसलिए वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है एंड स्पीकर जो रहते हैं स्पीकर लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं जब एक स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो चाहे वो ही हो शी हो उसका काम होता है कि उसका जो भी काम है हाउस में वो वो कंडक्ट करे अनबायस्ड मैनर से मतलब किसी के तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के तरफ अनबायस्ड मैनर से वो अपना जो बिजनेस है से कंडक्ट करे एंड लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ राइट्स होते हैं और कुछ प्रिवलीज उनके पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स होते हैं अधिकार होते हैं और कुछ प्रिवलेज होते हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर अपार्ट फ्रॉम दिस द स्पीकर हैज़ टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस एज वेल एज इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ डेली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड वर्क अकॉर्डिंगली और फिर ये स्पीकर का काम होता है ये जितने भी राइट्स हैं जितने भी प्रिविलेजेस हैं लोकसभा के इनका ध्यान रखना और इसके साथ साथ स्पीकर का काम ये भी होता है कि जो भी हाउसेस है वहाँ वहाँ पे डेकोरम मेंटेन करें एंड डिग्निटी मेंटेन करें मतलब देखो कोई भी हाउस है वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पर एक एक तरीका होना चाहिए वहाँ पर बैठने का तरीका वहाँ पर बोलने का तरीका वहाँ के लैंग्वेज का तरीका इसे ही कहा जाता है डेकोरम इसका मतलब होता है आप इतने बड़े हाउस में यदि बैठे हो तो तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आपको दूसरे किसी भी मेम्बर पर गुस्सा आ रहा है तो आपने अपनी चप्पल उठाई और फेंक दी उसके ऊपर नहीं आप इतने बड़े हाउस में बैठे हो आपको कुछ वेस कुछ रूल्स होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं आपको कुछ तरीके होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं उसे ही डेकोरम कहा जाता है और ये मेंटेन करवाना एक स्पीकर का काम होता है साथ ही साथ क्या है डिग्निटी मेंटेन कराना कि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ लोकसभा में गए और आप सामने वाले मेंबर की पर्सनल लाइफ में घुस गए एंड आप उसके बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो आपको इतने लोगों के सामने नहीं बोलनी चाहिए या बोलने ही नहीं चाहिए आप डिफेम कर रहे हो उस पर्सन को तो ऐसे केसेस में भी स्पीकर का काम होता है कि ये सारी चीज़ें देखे करे कि ऐसा कुछ भी ना हो और साथ ही साथ जितने भी रूल्स हैं कि जो भी हाउसेस हैं राज्यसभा लोकसभा वो कैसे काम करेंगे कैसे फंक्शन करेंगे वो सारे रूल्स को को इंटरप्रेट करना इसका मतलब सिंपल मीनिंग में आपको बता देती हूँ कि प्रॉपरली काम करे हाउसेस फंक्शन करे ये इसका भी ध्यान रखना स्पीकर का ही काम होता है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द चेयरमैन एक्सरसाइज इज कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा The Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha. The functions of Rajya Sabha chairman also include maintaining the discipline in the house, facilitating discussions, giving members a chance to speak. तो अब आते हैं राज्यसभा के चेयरमैन पे जो भी चेयरमैन होता है राज्यसभा का उसका पूरा कंट्रोल होता है राज्यसभा की फंक्शनिंग पे और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का वो एक्चुअल में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है सॉरी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो असली में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का और राज्यसभा चेयरमैन के जो भी फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि राज्यसभा में अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन हो सही से डिस्कशंस हो और हर मेंबर को मौका मिले कि वो अपनी बात रख सके नाउ कमिंग टू हाउ डज़ द पार्लियामेंट मेक लॉस एक्चुअली लेजिस्लेचर लॉ बनाते कैसे हैं क्या तरीका होता है उनका लॉ बनाने का वो हम अब पढ़ने वाले हैं इन आर कंट्री द पार्लियामेंट इज इम्पावर टू मेक लॉ टू फॉर्मुलेट दम अटेन सिस्टम हैज बीन अडोप्टिड दिस सिस्टम इज नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज प्रिपेयर इनिशियली ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसके पास हक है कि वो लॉ बना सकती है और लॉ को बनाने के लिए वो लोग एक सिस्टम अपनाते हैं इस सिस्टम को हम कहते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस एक रफ़ ड्राफ्ट होता है लॉ का जो बनाया जाता है ड्राफ्ट मतलब होता है कि एक्चुअली वो अभी लॉ नहीं बना है उसे रफली कहीं लिख दिया गया है मतलब जैसा वो लोग चाहते थे उस हिसाब से और अब उसे प्रेजेंट किया जाएगा तो एक रफ़ ड्राफ्ट जैसा इनिशियली बनाया जाता है और ये जो ड्राफ्ट होती है या आउटलाइन होती है इसे हम कहते हैं ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल दैट आर प्राइमरीली इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मनी बिल एंड ऑर्डनरी बिल तो दो तरह के बिल होते हैं जिन्हें सबसे शुरुआत में हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में दिखाया जाता है एक होता है मनी बिल और एक होता है नॉर्मल ऑर्डनरी बिल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इन टू एन एक्ट द बिल अंडरगोज फॉलोइंग प्रोसेस अब देखिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसी प्रोसेस से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लॉ कैसे बनता है सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के बाद उसे दिखाया गया एज अ बिल और जब तक वो लॉ नहीं बनता है तब तक वो बिल ही रहता है तो चलिए प्रोसेस देखते हैं हम सबसे पहला फर्स्ट रीडिंग द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट्स bill बिल एंड ब्रीफली its structure वाइल प्रजेंटेग इन दिस is कॉल्ड as फर्स्ट रीडिंग तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फर्स्ट रीडिंग इसमें क्या होता है जो भी कंसर्न मतलब जिस भी डिपार्टमेंट के लिए वो लॉ बन रहा है मिनिस्ट्री के लिए लॉ बन रहा है उसके जो मेम्बर होते हैं वो उस बिल को प्रजेंट करते हैं पार्लियामेंट में और बहुत अच्छे से समझाते हैं उसके स्ट्रक्चर को इसे ही कहा जाता है फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग

वो प्रपोज बिल के जो भी ऑब्जेक्टिव है उन्हें लोगों के साम मेंबर्स के सामने बताती है उनके साथ डिस्कशन करती है और उनके जितने भी मेंबर्स हैं हाउसेस के उनके ओपिनियंस लेती है जो सपोर्टर होते हैं जिस भी पार्टी ने ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी के जिस भी मेंबर ने वो बिल प्रेजेंट किया उसके जो भी सपोर्टर्स होते हैं वो उनके फेवर में वहाँ पे अपना ओपिनियन रखते हैं और जो भी अपोनेंट्स होते हैं जो भी अपोजिट पार्टी होती है वो उनकी उनमें क्या परेशानियाँ हैं फॉल्ट्स हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करती है आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंट टू अ कमिटी ऑफ द हाउस द कमिटी रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन इज सेंट टू द हाउस इन ऑर्डर टू मेक द बिल फ्लॉलेस और फिर जैसे भी डिस्कशन होता है कुछ प्रॉब्लम है उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं कुछ चेंजेस चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए एक कमिटी बनाई जाती है इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको याद आ रहा होगा जब आपने इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे आपके हिस्ट्री में कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम uh, किया गया था बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा तो कैसे कमिटी बनाई गई थी बस यही सेम प्रोसीजर है जो फॉलो होता है कि uh, जिस भी डिपार्टमेंट ने वो लॉ को मतलब एज अ ड्राफ्ट वहाँ प्रेजेंट किया वो प्रेजेंट करने के बाद वहाँ पर डिस्कशंस हुए और एक कमिटी बैठाई गई जो अब इस प्रेजेंटेड इस लॉ के ऊपर डिस्कशंस करेगी रिकमेंडेशंस देगी चेंजेस लेकर आएगी और उसे फ्लॉलेस बनाएगी कि उसमें कुछ भी कमियां ना हो नाउ द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग इन दिस फेज द बिल इज क्लॉज बाय क्लॉज मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस और यहाँ पे सेकेंड फेज स्टार्ट होता है मतलब सेकेंड फेज की सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है जब जब कमिटी के पास से वो रिपोर्ट फाइनली आ गई और फिर जब ये सेकेंड रीडिंग होती है तो उस बिल को एक एक क्लॉजेस क्लॉजेस वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा होगा मैं सिंपल मीनिंग में बताती हूँ क्लॉज मतलब आप समझ लीजिए कि एक एक लाइन वहाँ पे पढ़ी जाती है और एक एक लाइन पे डिस्कशन होता है और फिर किसी भी मिनिस्टर को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ रखते हैं वो कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं और उसके बाद वोटिंग की जाती है कि हाँ कितने लोग अग्री हैं कितने लोग अग्री नहीं हैं थर्ड रीडिंग द बिल इज डिस्कस ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल अब जो बिल होता है उसे बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया जाता है तीसरी रीडिंग में और उसके बाद वोटिंग की जाती है ताकि वो बिल को अप्रूवल मिल जाए सब हाँ कह दे उस बिल के लिए और वो पास हो जाए इफ़ द बिल गेट्स एन एन एस एंड रिक्वायर्ड एसेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी दिन द बिल इज कंसिडर्ड पासड बाय द हाउस यदि वहाँ पे uh, जितने लोगों जितनी मेजॉरिटी का जितने लोगों का एक्चुअली चाहिए वोट वो मिल जाता है मेजॉरिटी का तो वो बिल पास हो जाता है द बिल अंडर गोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेज द बिल इज़ फॉर दिन फॉर एसेंट बाय द प्रेसिडेंट और फिर एक हाउस से पास हुआ दूसरे हाउस में भेजा जाता है उसमें भी सेम प्रोसीजर चलता है वहां से पास हुआ उसके बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी ओपिनियन रखे और एसेंट दे कि हाँ मैं भी इस बिल को पास करता हूँ इफ देर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर अ स्पेसिफिक बिल द फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिस ऑफ बोथ द हाउस यदि सपोज ऐसा हुआ कि लोकसभा ने कहा कि ठीक है बिल पास एंड राज्यसभा ने कहा कि नहीं हमें इसमें प्रॉब्लम दिख रही है इसमें ये ये सारी प्रॉब्लम है हम बिल पास नहीं करेंगे ऐसे केसेस में क्या होता है कि उस स्पेसिफिक बिल को फ्यूचर uh, के लिए रख दिया जाता है और फ्यूचर में क्या होता है फ्यूचर के लिए इन द सेंस कि मतलब आगे मीटिंग की जा करवाई जाती है लोकसभा राज्यसभा की एंड उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि वो बिल पास होगा कि नहीं होगा क्यों मीटिंग क्योंकि जिन्होंने हाँ बोला वो ना बोलने वालों को एक्सप्लेन करेंगे और जिन्होंने ना बोला वो ना वो हाँ बोलने वालों को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ना क्यों बोला इसलिए After the final assent and signature of the president, the bill is converted into the law and the law is made. और जब finally president की भी assent मिल जाती है signature मिल जाता है उसके बाद वो bill finally law बन जाता है और वो law फिर हमारी country में लागू होना चालू हो जाता है मतलब जब भी फिर उसका आगे जो भी procedure हो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि law actually बनता कैसे है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेम प्रोसीजर से बना था तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग